नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं द बिहारी गाइज यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अभी मैंने लगभग 1.5-2 महीने पहले एक वीडियो बनाया था जिसमें एक पति ने अपने पत्नी की शादी उसके प्रेमी से करा दी थी। वो वीडियो आप लोगों ने देखा था, और जिन लोगों ने नहीं देखा है पहले इस क्लिप को देखिए ताकि आप लोगों को पूरी तरह से ये स्टोरी समझ में आ जाए। देख ली लोग निकी मांग भरवा तेरी भुलावन से हमार पत्नी डली है। हाँ। हम खुशी खुशी निकी से भुलावन के प्यार रख। हाँ। लोग हम शादी करवा सर कहाँ करो रास्ता ही अभी आपको मारा है अभी अभी रास्ता में ऐसी खुशी से हम शादी करवा नहीं खुशी से जाता नहीं ताकि मैं फोन करी तो हम मारे मारे। दोस्तों, ये क्लिप देखने के बाद आप लोगों को पूरा मैटर समझ में आ गया होगा। उसके बाद मैंने रामचंद्र का इंटरव्यू शूट किया था जिसमें इन्होंने अपनी पत्नी के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए थे। देखिए ये क्लिप। उन लोग का एक साल से प्यार था, जमीन में मोबाइल गाड़ के रख देती थी। हम शादी किए हैं 2017 में। लव मैरिज किया था आपने? मैरिज किए हैं, बाल बच्चे हैं, एक लड़की है। हमको शक हुआ, कुछ आदमी बाहर का बताया। 40,000 रुपया जब पुर गया अकाउंट में, पैसा लेके फरार हो गई। एक बार हम उसको बच्चा दिए थे तो रात में 12-1 बजे रात के फेंक करके बाहर चले गए। हमको धमकी दे रहा था कि हम तुमको मार देंगे साला, जहाँ रहे अपना खुश रहे। और दोस्तों, अब मैं आप लोगों को एक ऐसी न्यूज देने वाला हूँ जिसको सुनने के बाद आपके कान मतलब फट जाएंगे आपके। दोस्तों, जब इनके पहले पति के द्वारा इन पर इल्जाम लगाए गए थे तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे। कुछ कमेंट्स, इस बंदे ने तो पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी कि क्या होने वाला है, और जैसा कि हम लोग देख रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस निकल चुकी है, देखते हैं कहां रुकती है जाकर। उसी वीडियो देख के आप समझ गए होंगे कि पहले अपनी पत्नी की शादी उसके प्रेमी भुलावन से कराई, और अब इस औरत ने भुलावन को भी भुला दिया है। ये फरार हो चुकी है एक सिंगर के साथ। अगर यही काम कोई लड़का करता तो आप समझ सकते हैं कि उसके साथ क्या हुआ होता। मेरी रिक्वेस्ट आप लोगों से यही है कि वीडियो को इतना शेयर करें ताकि आने वाले समय में कोई सिंगर, कोई एक्टर, कोई डांसर, कोई प्रोड्यूसर न फंसे। और सिर्फ इतना ही नहीं, इन जैसे और भी लोगों से सावधान रहें, सतर्क रहें।